कुकिंग विद नजारिया, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ जो अफ्तार में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है खाने में। तो आज मैं क्रीमी चिकन रोल बनाने जा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस बन के रेडी होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इसको बनाने में हमें क्रीमी बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या करना है, ये मैंने 250 ग्राम लिया बोनलेस चिकन, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने 2 टीस्पून लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून लिया मैंने दही और 1 नींबू को मैंने टुकड़ों में काट लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 पिंच फूड कलर, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने लिया है तंदूरी चिकन मसाला, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने लिया हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने लिया गरम मसाला। तो चलिए मैं इसे मैरिनेट के लिए पहले चिकन को रेडी करती हूँ। सबसे पहले इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद ये दही, उसके बाद जो मैंने ये जितने मसाले लिए थे सारे मसाले को ऐड कर देना है, ये नींबू इसमें डाल देना है। तो मैंने इसमें नींबू का रस मिला दिया है, अब मुझे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और कम से कम 30 मिनट तक इसे मैरिनेशन के लिए हमें छोड़ देना है। इसे मैं अच्छी तरह से पहले मिला लेती हूँ, ये देखिए। तो ये अच्छी तरह से मिल चुका है, मैं इसे ढक देती हूँ। तो ये अच्छी तरह से मिल चुका है, मैं इसे ढक देती हूँ आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए, जैसे मैरिनेशन के लिए। उसके बाद दूसरे पेड़ की गैस, ये मैंने 2 कप मैदे को मैंने इसमें 2 कप मैदे में डाला था, थोड़ा सा मैंने नमक, 2 टीस्पून मैंने ऑयल डाला था, इसे मैंने अच्छी तरह से गूंद के हल्का सा ऑयल लगा के इसे मैंने 15 मिनट पहले छोड़ दिया था। मैं इसे सेट कर देती हूँ। ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून मैंने लिया है फेट के बिल्कुल। अब मुझे इसमें मिलाना है दही में हमारा मेयोनीज, तो आप इसमें मैं इसमें 3 टीस्पून मेयोनीज डालती हूँ। मेयोनीज के बाद मुझे डालना है इसमें हरी चटनी, अगर आप हरी चटनी नहीं डालना चाहते तो ये हरी चटनी मैंने बनाया है, मैंने 1 मुट्ठी लिया था हरी धनिया की पत्ती, 2 हरी मिर्च और 2 कली मैंने लहसुन के लिए थे, मैंने पीस लिया, इसमें हल्का सा नमक ऐड कर दिया है। अगर आप इसमें हरी चटनी मिलाना नहीं चाहते गाइस, तो आप इसमें हमारा ये भी डाल सकते हैं टमाटो केचप। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब फेंटने के बाद अच्छी तरह से ये देखिए बिल्कुल क्रीमी सा सॉस बना लेना है। तो ये देखिए गाइस हमारा क्रीमी सा पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे साइड कर देती हूँ और हमारा चिकन में 30 मिनट हो चुका है, तब मैं गैस पे चढ़ाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है, गैस ऑन करती हूँ। मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ हमारा ये मैरिनेट चिकन। ये देखिए गाइस हमारा जो चिकन है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे गलाना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी को ऐड कर दिया ताकि हमारा जो चिकन है वो गल जाए। अब मैं इसे क्या करती हूँ, ढक देती हूँ, गैस का फ्लेम मुझे बिल्कुल लो रखना है, ऐसे मैं ढक दे। इसे बस ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। इधर मैंने प्याज के कुछ स्लाइसेस इस तरह से काटे हैं, इसे मुझे इस तरह से रिंग निकालनी है। तो आप देखिए इस तरह से मुझे इसका रिंग निकाल लेना सारे का। और ये मैं धनिया की पत्ती, अगर आपके पास पुदीने की पत्ती है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, हमारे पास अभी बिल्कुल नहीं है पुदीने की पत्ती, धनिया की पत्ती है, मैं इसमें डाल देती हूँ।
और इसमें नमक भी ऐड करना, लेकिन अलग टाइप का बना के रख लिया है। तो अब मैं इधर चिकन हमारा रेडी होने दें, 5 मिनट के बाद जब बन जाएगा उसके बाद इसको मैं ओपन करती हूँ। ये देखिए हमारा जो चिकन है बिल्कुल गल चुका है और ये बिल्कुल टिक्का बन के रेडी है। अब मुझे क्या करना है, स्मोक डालना है इसमें, बीच में ऐसे करके जगह बनाती हूँ। देखिए स्मोक डालने के लिए मुझे क्या करना है कि मैंने एक कटोरी रखी, इसमें थोड़ा सा कोयले को मैंने और गर्म करके डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर देती हूँ, इसे मैं ढक देती हूँ 2 मिनट तक। मैं इसे तरह ढक देती हूँ ताकि इसमें अच्छी तरह से स्टीम आ जाए और इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल अच्छे से लगे कि टिक्के के जैसा है। तो अभी तक मैं पराठा बनाना रेडी करती हूँ, तो मैं 1 मिनट के लिए। देखिए मैंने सारे डो बना के रख लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसमें हल्का सा आटा, इसमें आपको डो जो बनाना है ना रोटी के जैसा, मतलब ना पतला बनना चाहिए इसका पराठा और ना ज़्यादा मोटा हो, तो मीडियम साइज में। तो मैंने मीडियम साइज का डो बना लिया। अब इसे बेल लेती हूँ। बेलने के बाद इसमें हमें हल्का सा ऑयल इसमें लगाना है। ऑयल लगाने के बाद इस तरह से इसे कर देना है। इस पे से थोड़ा सा इस पे सूखा हुआ आटा यानी मैदा जो है वो बिल्कुल इस तरह से कर देना है। अब हम इसे फोल्ड करते हैं। आप चाहे जिस तरह से करिए, तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे बेल देती हूँ। थोड़ा सा अब मुझे क्या करना है, इसे जल्दी जल्दी बेल लेना है। ये मैदा है तो इसे हमें थोड़ा सा रोटी से ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा लगता है। एक तरफ मैंने एक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। इधर हमारा पराठा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे मुझे क्या करना है, तवे पे डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम तेज कर दिया है। इसी तरह से मुझे दूसरा डो भी डो तैयार करना है। हल्का से इसमें पहले मैदा लगा के इस तरह से बेल लेना है। तेल लगाने के बाद हल्का से इसमें आटा फिर डाल के इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से बढ़ाना है इसे। ये देखिए इस तरह से हमारा दूसरा डो भी बन के बिल्कुल रेडी है। अब मुझे क्या करना था, जो मैंने पराठा रखा है इसमें ऑयल लगा देना है। हल्का इसमें ऑयल लगाना है। ये देखिए गाइस हमारा कितना सॉफ्ट पराठा बन के रेडी हुआ है। इसे बिल्कुल हल्का सा क्रंची करना है। तो ये देखिए हमारा पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बर्तन में और इसी तरह से मैं दूसरा गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ। इसी तरह से मुझे दूसरा पराठा भी रेडी करना है। तो इसको मुझे तो ये देखिए इसी तरह से दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया है। अब मैं सारे पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गैस हमने सारे पराठे बना लिए। अब मैं रोल बनाना स्टार्ट करती हूँ। मुझे क्या करना, सबसे पहले मैंने पराठे का मुझे रख लेना है और इसमें तो ये जो मैंने सैलेड बना के रखा था मैंने इसमें नमक नहीं डाला था क्योंकि मैंने बताया था इसमें आधा नींबू गार देना है। नींबू गारने के बाद नमक थोड़ा सा, क्योंकि पहले नमक डालने से प्याज पानी छोड़ देती थी, इससे हमारा जो, तो मैंने इसमें अच्छी तरह से नमक मिला दिया है। मुझे इसमें चिकन ऐड करना है।
चिकन आप अपने हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा चिकन रहता है तो उससे क्या होता है कि रोल जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आधा मुझे इसमें जो मैंने ये पेस्ट बना के रखा था मुझे ये डालना है। इस तरह से अब मुझे क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब टूथपिन की मदद से मैं इसको आधा कर देती हूँ। इस तरह से मुझे इसे फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए हमारा क्रीमी रोल बनके बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से मैं दूसरा भी लगा लेती हूँ। इसी तरह से मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है। इसको भी इस तरह से इसमें कर देना है। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारा बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए हम गाइस हमारा चिकन रोल बनके बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कुकिंग विद नज़ालिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।